होशंगाबाद में जमीनी विवाद के मामले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना सिवनी मालवा तहसील के आयप्पा गांव की है। हत्याकांड में शामिल दो आरोपी फरार हो गए हैं, जबकि चार ने खुद थाना पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस हत्याकांड में आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले तो परिवार के लोगों को लाठी लोहे की पाइप से पीटा, जिसके बाद दो सगे भाइयों को बेहोशी की हालत में ट्रैक्टर से घसीटते हुए घर ले गए। तब भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो एक बेबस मां के सामने आरोपियों ने उसके दोनों बेटों और 12 साल के पोते को ट्रैक्टर से कुचल दिया। मां अपने बेटों और पोते की जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक भी ना सुनी। वहीं इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद चार आरोपियों ने ट्रैक्टर समेत थाने में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।